जरा सी आहट होती है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। More than 150 years. Just imagine. 150 साल से भी ज्यादा पुराना नेकलेस है ऑक्शन पे। मुझे ना इसे अपने नए कलेक्शन में एज अ मास्टरपीस यूज करना है। वैसे भी आजकल बहुत कम फैशन डिजाइनर्स ऐसा कुछ करते हैं। या ऑफ कोर्स आई नो एक्सपेंसिव होगा। 3 लाख का बजट रखा है मैंने। सो लेट्स सी। बट आई जस्ट वांटेड फॉर माय न्यू कलेक्शन। मुझे बस वो नेकलेस अपने कलेक्शन में चाहिए। अच्छा, ऑक्शन शुरू होने वाला है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू ग्लीम ऑक्शन। और सबसे पहले पेश है रामगढ़ की महारानी का ये बेशकीमती हार। 45,000 की बोली से शुरू करेंगे, 5,000 की बढ़ोतरी के साथ बोली लगाइए। 50,000, 50,000, 60,000, बेहतरीन। 80,000, 80,000, बोली बढ़ाइए, बोली बढ़ाइए। 90,000, 90,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,45,000, 1,45,000, बहुत बढ़िया। और कोई? 2,00,000, 2,00,000, 2,20,000, 2,20,000, बहुत खूब। 2,45,000, 2,45,000, फैंटास्टिक। 2,45,000 एक, 2,45,000 दो और 2,45,000 तीन। सोल्ड। और 2,45,000 में ये आइटम मिस्टर प्रशांत को जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रशांत। और अब नेक्स्ट आइटम, ये एंटीक मिरर। इस एंटीक मिरर को ब्रिटेन के एक म्यूजियम से खरीदा गया था। आजादी से पहले हिंदुस्तान के एक राजा ने अपनी खूबसूरत बीवी के लिए यह बनवाया था। 70,000 से इसकी बोली शुरू करेंगे, 10,000 की बढ़ोतरी के साथ बोली लगाइए। 80,000, 80,000, बोली बढ़ाइए, बोली बढ़ाइए। 90,000, 90,000, और ये 90,000 में ये बहुत सस्ता है, इससे ज्यादा प्लीज लगाइए, लगाइए, कमॉन। 90,000 एक, 90,000 दो, 3,00,000। आपने 3,00,000 बोला, राइट? यस, 3,00,000। वाओ, ये है असली कदरदान। कोई और यहां है जिसकी नजर मैडम की पार की नजरों से तेज हो? 3,00,000 एक, 3,00,000 दो, 3,00,000 तीन। सोल्ड। ये मिरर जाता है मिसेस हीना को। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी तारा बेबी मासी के हाथ से खाना खाएगा। गुड गर्ल, नाइस। हीना, तुम तो नेकलेस लेने गई थी और ये मेरा ले आई। आई नो अरुण, बट यू नो दैट नेकलेस वेरी गुड। वो इतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था। डेफिनेटली नॉट वर्थ द मनी। एंड देन आई सॉ दिस, जस्ट लुक एट इट, इजंट इट ब्यूटिफुल? हमारे घर की शान को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन 3,00,000, isn't it too costly? Anyway, तुमने तुम्हारे फैशन शूट की तैयारी करनी थी, समझ लो उसी बजट में से तुमने ये ले ली। शारदा, इस आईने की ना ठीक से सफाई करना, वैसे नहीं जैसे घर की बाकी चीजों की करती हो। इस पे मुझे धूल का एक कतरा भी नजर नहीं आना चाहिए, राइट? ओके मैम, मैं कर दूंगी। Just 1 minute. Robin? Yeah? I think there's something wrong with the makeup. I think सब ठीक है. You sure? Yeah, I'm sure. Okay. Robin? Hi, baby. I'm coming. ये लेना आसिफ. Hi. Hi. Robin? सबसे पहले थैंक यू. अगले हफ्ते मेरी शूट के लिए तुमने अपनी डेट्स भी एडजस्ट कर ली और बजट भी. दैट्स रियली स्वीट. थैंक यू सो मच. ओह कम ऑन बेबी, तुम मुझे इतने सालों से जानती हो. फ्रेंड्स के लिए आई कैन डू एनीथिंग, सो नो थैंक्स. ओके, आई टेक इट बैक. अच्छा, तुम मुझे कुछ मेकअप रेफरेंसेस दिखाने वाले थे ना? ओह या, आई एम सॉरी बेबी. वो क्या हुआ ना कि अचानक न्योनिका का शूट प्रीपोन हो गया और तुम तो जानती हो कि वो मेरे बिना शूट नहीं करती. आई नो सो अब बट डोंट वरी, मुझे पता है तुम्हें स्लाइटली एशियन इजिप्शियन लुक चाहिए. ब्रॉन्ज गोल्ड मेकअप, राइट, विद दोज लिटिल डीप आईज. या बस तुम मुझे आज का टाइम दे दो, कल मैं फर्स्ट थिंग वो रेफरेंस लेकर आ जाऊंगा. सुपर्ब शॉट न्योनिका. काश मैं न्योनिका को अपनी शूट के लिए ले सकती. इस बारे में तुम सोचना भी मत. तुम्हारी जो पूरी शूट का बजट है ना, वो उस अकेली का है. और वैसे भी तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना. और वैसे भी उसे नंबर 1 मॉडल बनाने में मेरा ही तो हाथ है. बस तुम घर जाओ, वो रेफरेंस लेकर घर पे आता हूँ. ठीक है, सी यू टुमारो देन. सी यू, बाय बाय. शारदा, अरुण सर आए क्या? शारदा, शारदा, शारदा. यस मैम. क्या कहा था मैंने तुमसे इस मिरर की सफाई के बारे में? मैंने साफ किया था मैम. अगर साफ किया था तो ये क्या है, दिखा. आई एम सॉरी मैम, गलती से रह गया होगा. गलती बड़ी हो जाती है तुम लोगों से. मुफ्त की सैलरी चाहिए ना बस. अगर काम में मन नहीं लगता ना तो गांव वापस चली जाओ अपने. क्या हुआ? Good you came, Arun. Look at this woman. एक काम बताया उसे, बस एक काम, वो भी ठीक से नहीं होता. सर, गलती से एक छोटा सा दाग रह गया बस. अच्छा ठीक है, तुम वो साफ कर दो और अंदर ध्यान रखना, ठीक है? ओके सर. Come on, let's go. चलो, it's okay. वो मिरर में मिरर में क्या? There's nothing. कुछ नहीं है, क्या होगी ना? Now what is wrong? शारदा, क्या बॉस, यहाँ क्या हुआ है? इतनी भीड़ क्यों हो रही है? घर में बाई की मौत हो गई है, बहुत बुरी तरह से दुर्घटना हुई है उसकी। ओ, लगता है सही समय नहीं है मिलने के लिए। ना अरुण, तुम ऑफिस पहुंच गए? नहीं, रास्ते में हूं। तुम ठीक हो ना? नहीं अरुण, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। अजीब मतलब? अरुण मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत। वो मिरर अरुण, मैंने कल रात को इस मिरर में शारदा की मौत देखी थी। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ अरुण, बिलीव मी। उसका चेहरा भी ठीक उसी तरह से कटा हुआ था और उसका सर भी बॉडी से अलग हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे। हीना, आई थिंक तुम बहुत परेशान हो एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। हीना, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। Listen, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ओके? हीना, कुछ बोलो। अरुण, ये अरुण, 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 इन्हें बहुत सीरियस कंडीशन में लाया गया था। एक्सीडेंट की वजह से फेस पर बहुत सारी चोटें आई हैं। मैंने अभी एक माइनर सर्जरी कर दी है, लेकिन एक मेजर सर्जरी और करनी पड़ेगी। जबड़ा डिसलोकेटेड है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। बस आप ये समझिए कि किसी तरह इनकी जान बच गई। Excuse me? अरे ओ यस यस, कैसा लग रहा है आपका ब्यूटीफुल मिरर आपके घर में? देखिए, वो मिरर मुझसे पहले जिसके पास था, मुझे उनसे मिलना है। मुझे उनका कांटेक्ट नंबर या एड्रेस कुछ मिलेगा प्लीज? मैम आई एम सॉरी, आप उनसे नहीं मिल सकते। पर क्यों? मैम क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है। What? जी हाँ। ये कैसे? अभी आपने सुना होगा, करीब 1-1.5 साल पहले एक फेमस मॉडल थी मेघना। ये मिरर उसी का है। उसने अपने घर पे सुसाइड कर लिया था। बैंक का लोन ना चुकाने की वजह से बैंक वालों ने उसकी प्रॉपर्टी और चीजें जब्त कर ली, और उन्हीं चीजों में ये मिरर हमारे पास ऑक्शन के लिए आ गया। गॉड, देखिए मुझे वो मिरर रिटर्न करना है। मैम वो मिरर हम नहीं ले सकते वापस। एक बार ऑक्शन में सोल्ड आइटम वापस नहीं होता। नो, डोंट वरी, मुझे मेरे पैसे वापस नहीं चाहिए। बस आप वो मिरर रिटर्न ले लीजिए प्लीज। मैम इतना महंगा मिरर लिया आपने, आप उसको अब रिटर्न कर रहे हैं? वी कैन नॉट टेक इट बैक। देखिए वो मिरर, उसमें कुछ है। उसने मेरे पति का एक्सीडेंट करवाया है। एक्सीडेंट? यस, आई कांट कीप इट। बहुत अजीब बात है, क्योंकि मनोज भी ऐसा ही कुछ कह रहा था कि उसका एक्सीडेंट मिरर ने करवाया है। वन सेकेंड, कौन मनोज और कैसा एक्सीडेंट? मनोज हमारा सफाई कर्मचारी। अभी ऑक्शन से कुछ दिन पहले वो मिरर के सामने बेहोश, बिल्कुल बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ मिला था, और मिरर को ही दोष दे रहा था कि मिरर ने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया है। जान तो उसकी बच गई, मगर जॉब उसने छोड़ दी। अच्छा, आपके ये जैनिटर मनोज, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इनका एड्रेस मिलेगा? जी बिल्कुल। मनोज जी यहीं रहते हैं क्या? देखिए मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज बस 2 मिनट बात कर लीजिए। चली जाओ यहाँ से। देखिए मुझे उस मिरर के बारे में बात करनी है जो मैंने ऑक्शन हाउस से खरीदा है। मनोज जी प्लीज दरवाजा खोलिए, देखिए मेरी और मेरी फैमिली की जान खतरे में है। मुझे बस 2 मिनट चाहिए। मनोज जी प्लीज दरवाजा खोलिए। मनोज जी अपने ये कान के झुमके और ब्रेसलेट दोनों उतार दो। क्या? मैंने कहा ना उतार दो। अच्छा ठीक है, मैं निकाल रही हूँ। निकाल दिया। बैठ जाओ। मैं ऑक्शन हाउस गई थी, वहां के मैनेजर ने मुझे बताया आपके साथ क्या हुआ। मैं जानती हूँ आप पर कोई यकीन नहीं कर रहा, पर मैं करती हूँ। वो मेरा रब मेरे घर पर है। मनोज जी प्लीज मुझे बताइए आप क्या जानते हो उस मिरर के बारे में। ये जो मेरी हालत है ना, ये उसी मिरर की वजह से है। पर क्यों? क्योंकि मैं उसका काम नहीं कर सका। वो मुझसे कुछ करवाना चाहता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो मुझसे क्या चाहता है। और ये जो सजा है, ये उसी की सजा उसने मुझे दी है। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपनी फैमिली को? उस मिरर को तुम तोड़ नहीं सकते। उस मिरर से तुम दूर भाग जाओ। उस घर से अपने परिवार के सारे लोगों को लेकर कहीं दूर चले जाओ। हाँ? और याद रखना, उस घर की हर चीज जिसमें तुम्हारा अक्स दिखता हो, उस हर चीज पर उस मिरर का काबू है। इसीलिए कोई भी चीज उस घर से अपने साथ मत ले जाना। बस अपने परिवार के सभी लोगों को लेकर कहीं दूर चली जाओ, इससे पहले वो तुम सब लोगों को मार दे। चले जाओ, दूर चले जाओ, उस परिवार से दूर चले जाओ। पता किसी को बताना नहीं। पता आज मुझे पड़ोस वाली आंटी ने डांटा था। आखिर बच्चे खिलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, है ना? जो सच कह रही हूँ ना मैं। तारा चलो बेटा, हमें ना बाहर जाना है। कम रॉबिन, हाय बेबी। क्या हुआ बेबी, यूं अचानक क्यों बुलाया मुझे अभी? यू टोल्ड मी इमरजेंसी है। मैं मेकअप का रेफरेंस लेकर आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे मेट के बारे में सुना तो वापस चला गया। वो बात नहीं है रॉबिन। तो क्या बात है बेबी, टेल मी ना। I'm sorry, Robin. Sorry? Sorry for what? ये सब क्या हो रहा है? मेघना, क्यों किया तूने? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शॉट मेघना, रॉबिन पफ मारो। बेबी ये शूट प्रिंट हो जाने दो मैगजीन में, फिर हर घर में आग लगा दो कि तुम यू आर द बेस्ट। जिसका मेकअप आर्टिस्ट इतना अच्छा हो वो मॉडल तो बेस्ट दिखेगी ना। सो स्वीट। आई नो। ड्राइवर में आ रही हूँ, गाड़ी निकालो। हाय रॉबिन। हाय। ओह गॉड, ग्रेट शूट ना। या ओके बेबी, मेरा एक अर्जेंट कॉल आ गया है, तुम जब तक मेकअप रिमूव कर लो। मैं बस आया, प्लीज। पर जल्दी आना। ओके बेबी। तेरी वजह से हमेशा के लिए मेरा चेहरा खराब हो गया, मेरी लाइफ, मेरा करियर सब बर्बाद हो गया। क्यों किया तूने ऐसा? बता मुझे। मुझे माफ कर दो। नोयोनिका के कहने पे वो जानती थी कि तुम्हारे रहते हुए कभी भी टॉप की मॉडल नहीं बन सकती। सारे टॉप के इंडोर्समेंट्स, सारे शूट्स सब तुमको ही मिलते थे, इसलिए उसने तुम्हारे साथ ऐसा करवाया। मैंने कुछ नहीं किया मेघना, लेकिन धोखा तूने दिया है रॉबिन। तू मेरा दोस्त था और तू ही मेरी मौत का जिम्मेदार है। अब तू ही मरेगा। नोयोनिका, नहीं प्लीज। मेघना देखो, तुमने मुझे रॉबिन को बुलाने को कहा, मैंने उसे बुला दिया और तुमने उसे मार दिया। लेकिन अब और नहीं मेघना, प्लीज। देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, मैं मानती हूँ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम भी वही करो। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, नोयोनिका के बारे में, जो उसने और रॉबिन ने मिलकर तुम्हारे साथ किया, सब कुछ मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए। प्लीज अब ये सब मत करो, प्लीज मेघना। नहीं नहीं तारा, नहीं मेघना प्लीज, तारा को कुछ मत करना। नोयोनिका ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं करूंगी, पर प्लीज तारा को कुछ मत करना। ये कहाँ से आया? ओह, ये कोई लड़की लेकर आई थी आपके लिए, कह रही थी आपकी बहुत बड़ी फैन है। हाँ, ओके। अच्छा ये रॉबिन कहाँ गायब है? सुबह से फोन भी नहीं उठा रहा। एक काम करो, तुम इसके घर जाओ और देखो सब ठीक तो है ना। हाँ ठीक कराता हूँ। सबको यही लगता है कि सब मेरे नंबर 1 फैन हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरी सबसे बड़ी फैन मैं खुद ही हूँ। My God, it's so beautiful. आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।